हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि रूम में कितने टन का एसी लगाएं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि हम अपने कमरे में कितने टन का एसी लगाएं, उसकी हमें सिलेक्शन अगर करनी हो तो कैसे करें। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की थी कि हमें पहले तो एसी का साइजिंग करनी क्यों जरूरी है, मतलब हमें ये सिलेक्ट करना क्यों जरूरी है कि हमें कौन से रूम में कौन सा एसी लगाना है। और मैंने अलग अलग करके बताया भी था कि हमें अप टू कितने एरिया में कौन सा एसी लगाना है। बट दोस्तों, उस वीडियो पर मेरे को काफी कमेंट आए कि सर, हमारे रूम का साइज 15x15 फिट है, ऐसे ही 15x30 फिट है, तो हम उसके लिए कौन सा एसी लगाएं। तो आई होप कि उस वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक और वीडियो बनाता हूं जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर हमारे पास इतने बाय इतने का रूम हो तो हमें कौन सा एसी यूज करना है, या रूम का साइज हमारे पास एरिया निकला हो तो हमें कौन सा एसी का यूज करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल एसीज हैं, क्योंकि हमें पता है जो एसी है उसकी जो रेटिंग होती है वो टन में होती है। तो हम पहले देखते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल कैपेसिटी है एसीज की वो क्या क्या होती है। तो दोस्तों, जो मार्केट में अवेलेबल एसीज हैं जो कि हम घरों में यूज करते हैं वो 0.8 टन से शुरू हो जाता है। ऐसे ही दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारे पास आता है 1 टन। इसके बाद दोस्तों, 1 टन के बाद हम जो एसी अपने घर में यूज करते हैं वो आता है 1.5 टन, और इसके बाद जो एसी आता है वो आता है 2 टन। दोस्तों, मोस्टली जो हम अपनी दुकानों पर या घरों पर एसी की कैपेसिटी यूज करते हैं वो 0.8 टन से लेकर 2 टन का एसी का यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों, जैसे इंडस्ट्री हो वहां पर हम सेंट्रल एसी का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इन एसी का यूज एज पर हम कितने स्क्वेयर फुट एरिया में कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये हमारे पास टन में एसीज की कैपेसिटी आ गई। अब हम देखेंगे कि हम पर्टिकुलर एसी को कितने रूम साइज में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रूम साइज लिख लेते हैं। अब दोस्तों, ध्यान रहे ये जो रूम साइज है ये एरिया होता है स्क्वेयर फुट में, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि आपका कोई भी रूम है, मान लीजिए ये आपका एक रूम है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार का रूम होता है रेक्टेंगल शेप का, मतलब आयत की शेप का। अब इसमें एक हमारे पास लेंथ होती है दोस्तों। अब ये वाली अगर मान लीजिए आपने करना क्या है, ये जो दीवार है इसे मान लो, और ये वाली जो दीवार है इसे भी नाप लो, ठीक है। तो ये अब आपके पास ब्रेड्थ आ गई, ठीक है दोस्तों। अब मान लो ये आपका रूम है। अब इसकी जो एक दीवार होगी ये लेंथ होती है, और जो चौड़ाई वाली दीवार होगी ये ब्रेड्थ होती है। अब हमें पहले ये कैलकुलेट करना है कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो दोस्तों, कोई भी रूम हो आपको करना क्या है, उसकी लेंथ मतलब एक दीवार को नाप लेना है, ऐसे ही जो इसकी ब्रेड्थ है दूसरी दीवार को भी नाप लेना है। फिर इसका एरिया सिंपल निकल जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब इस दीवार को इस दीवार से गुना कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं कि मान लो इस रूम की जो लेंथ है वो हमारे पास 10 फुट है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जो इस रूम की ब्रेड्थ है वो हमारे पास मान लेते हैं कि 8 फुट है, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर हमें इसे इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू, अब लेंथ एल यहां पर 10 है, ऐसे ही जो ब्रेड्थ है वो 8 है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब इसका एरिया आ जाएगा 10 × 8 = 80 स्क्वेयर फुट, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो किसी भी रूम का एरिया इस प्रकार से निकलता है। आपने करना क्या है कि दीवार की लंबाई नाप लेनी है, ऐसे ही दूसरी दीवार की भी लंबाई नाप लेनी है, और उसको आपस में गुना कर देना है, फिर आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, आपको ये पता लग गया कि आपको किसी भी रूम का एरिया कैसे निकालना है। अब बात आती है कि 0.8 टन का जो एसी है उसको हम कितने स्क्वेयर फुट एरिया तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो 0.8 टन का एसी है उसे हम अप टू 100 स्क्वेयर फुट तक यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी रूम जिसका जो एरिया है वो उसको 100 स्क्वेयर फुट तक पड़ेगा, उसके लिए हम 0.8 टन का एसी का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर आता है 1 टन का एसी। तो दोस्तों, 1 टन का एसी हम यूज करेंगे
अप टू 150 स्क्वायर फुट, मतलब एक टन का एसी हम उस रूम में यूज करेंगे जिसका एरिया हमारे पास मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ करके 150 स्क्वायर फुट तक आएगा, और 100 से ऊपर हो 150 से नीचे हो तो उस कमरे में हम एक टन के एसी का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास 1.5 टन का एसी, तो इसका जो रूम साइज है वो अप टू 250 स्क्वायर फुट होगा। ठीक है, मतलब कोई भी रूम जो 150 से 250 स्क्वायर फुट के बीच में होगा उसके लिए हम 1.5 टन का एसी का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट नंबर पर हमारे पास आता है 2 टन का एसी। ठीक है दोस्तों, 2 टन का एसी हम यूज करते हैं अप टू 400 स्क्वायर फुट। ठीक है, मतलब कोई भी रूम जिसका एरिया आपका 250 से लेकर 400 स्क्वायर फुट के बीच में है वहां पर आपको 2 टन के एसी का यूज करना है। ठीक है, अब हम दोस्तों एक एक कैपेसिटी को लेकर पर्टिकुलर जो भी हमारी लेंथ और ब्रेथ बनती है उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास एसी है वो 0.8 टन का है। ठीक है, मतलब 0.8 टन का एसी हम कितने स्क्वायर फुट के एरिया तक यूज करेंगे, तो जैसे आपने पहले भी देखा कि 0.8 टन का एसी आपको अप टू 100 स्क्वायर फुट तक यूज करना है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि 100 स्क्वायर फुट कैसे बनेंगे। ठीक है, तो 100 स्क्वायर फुट जैसे मान लो कि आपका जो रूम है वो 10x7 फुट का है। ठीक है, मतलब उसकी जो लंबाई है वो 10 फुट है और जो चौड़ाई है वो 7 फुट है, तो इसकी जो टोटल एरिया बनेगा वो 70 स्क्वायर फुट बनेगा। तो मतलब इस रूम में हम 0.8 टन का एसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मान लेते हैं दूसरा केस कि जो हमारा रूम की लेंथ है वो 10 फुट है बट जो ब्रेथ है वो 8 फुट है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x8 = 80 स्क्वायर फुट, इसमें भी हम 0.8 टन का ही एसी का यूज करेंगे। ऐसे ही 10x9 कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 90 स्क्वायर फुट, इसके लिए भी हम 0.8 टन के एसी का ही यूज करेंगे। अब ऐसे ही 10x10 मतलब 100 स्क्वायर फुट। अब कोई रूम हो जिसकी लेंथ और ब्रेथ 10x10 हो तो उसका एरिया बन जाएगा 100 स्क्वायर फुट, तो उसके लिए भी हम 0.8 टन के एसी का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया कि 0.8 टन के एसी का आपको यूज कहां करना है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ इनमें से कोई भी आती है। ठीक है, और जिसका एरिया 100 स्क्वायर फुट से कम आएगा उसके लिए हम 0.8 टन के एसी का यूज करेंगे। तो आई होप आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि आपको 0.8 टन का एसी कहां यूज करना है। अब दोस्तों एक बात और आती है कि मान लीजिए आपके रूम का एरिया तो 100 स्क्वायर फुट बनता है। ठीक है, बट रूम के ऊपर डायरेक्ट अगर सनलाइट पड़े तो आपको क्या करना है कि एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, कि जैसे अगर आपने चयन किया था कि अगर आपको अपने रूम के लिए 0.8 टन का एसी का यूज करना है बट अगर रूम के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो आपको 0.8 टन की जगह 1 टन के एसी का प्रेफरेंस दे देनी है। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट सनलाइट होगी उसके कारण लगातार हीट आपके रूम में आती रहेगी जिसको रिमूव करने के लिए एसी को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहां पर 0.8 टन के एसी का यूजेज पता लग गया कि कौन से एरिया के रूम में आपको ये यूज करना है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं 1 टन के एसी की। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो हमारा 1 टन का एसी है वो हमें अप टू 150 स्क्वायर फुट तक यूज करना है। तो अब हमें पता लग गया कि कोई भी रूम जिसका एरिया 150 स्क्वायर फुट तक बनता है वहां पर हमें 1 टन के एसी का यूज करना है। अब दोस्तों बात आती है कि 150 स्क्वायर फुट किन केसेस में बनेगा। तो कोई भी रूम जिसकी लेंथ और ब्रेथ 10x11 फुट हो तो ये आपके पास आ जाएगा 110 स्क्वायर फुट। ठीक है, अब इस केस में जो लेंथ है मतलब ये जो दीवार है ये 10 फुट की है और ये जो ब्रेथ है ये 11 फुट की है तो इसका एरिया आ जाता है 110 स्क्वायर फुट, तो वहां पर हमें 1 टन के एसी का यूज करना है। ऐसे ही 11x11 का कमरा हो मतलब 11 फुट ही लेंथ है और 11 फुट ही ब्रेथ है तो वहां पर आपको भी 1 टन का एसी का यूज करना है क्योंकि जो इसका एरिया बनेगा वो 122 स्क्वायर फुट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरे नंबर पर हम ले लेते हैं 10x12 फुट का अगर कोई भी रूम हो तो ये हमारे पास बन जाता है 120 स्क्वायर फुट।
तो इस केस में भी हमें एक टन के एसी का यूज करना है। ऐसे ही अगला केस आ गया 11 गुना 12, तो जो हमारे पास 131 स्क्वायर फुट बन जाता है। तो इस केस में भी अब हमें फिर से एक टन के एसी का यूज करना है। अब इसके बाद अगला आ गया हमारे पास 10 गुना 14, तो यहां पर 140 स्क्वायर फुट बन जाएगा। अब यहां पर भी हमें एक टन के एसी का यूज करना है। ऐसे ही मान लो कि 10 बाय 13 फुट होता, मतलब लंबाई 10 फुट होती और 13 फुट उसकी विड्थ होती, तो ये 130 स्क्वायर फुट बन जाना था। तो वहां पर भी हमें एक टन के एसी का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 11 बाय 14 का रूम हो, वहां पर भी हमें इसी का यूज करना है, तो ये 151 स्क्वायर फुट बनेंगे। ऐसे ही 10 बाय 15 फुट का कोई रूम हो, तो वहां पर भी हमें एक टन के एसी का यूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां से अब आपको पता लग गया कि एक टन का जो एसी है वो आपको इन पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन में, अगर आपकी लेंथ और ब्रेथ है रूम की, तो वहां पर आपको एक टन के एसी का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फिर से यहां पर बात आती है कि अगर आपके इस रूम में जिसकी लेंथ और ब्रेथ इनमें से कोई भी हो, ठीक है दोस्तों, वहां पर अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो आपको एक टन की जगह 1.5 टन की ओर बढ़ जाना है। ठीक है, तो मतलब आपको उस रूम में 1 टन की जगह 1.5 टन का एसी लगा लेना है। ठीक है, अब हम 1 टन के एसी की बात भी कर ली, अब हम इसके बाद बात करेंगे 1.5 टन के एसी की। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो हमारा 1.5 टन का एसी है वो हम अप टू 250 स्क्वायर फुट तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी रूम जिसका एरिया 250 स्क्वायर फुट तक होगा, वहां पर हमें 1.5 टन के एसी का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों तो हमारे पास 1.5 टन के एसी के लिए हम बनाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि 12 गुना 14 का अगर आपके पास रूम हो, मतलब कोई भी रूम जिसकी लेंथ 12 फुट हो और ब्रेथ 14 फुट हो, तो ये आ जाता है 160 स्क्वायर फुट। तो मतलब इसके लिए आपको 1.5 टन के एसी का यूज करना है। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 12 गुना 13 फुट का कोई रूम होता, तो ये आपके पास आ जाता है 156 स्क्वायर फुट, तो इसमें भी आपको 1.5 टन के एसी का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही इसके बाद मान लेते हैं कि 13 बाय 13 फुट की लेंथ और ब्रेथ हो, तो ये 169 स्क्वायर फुट आ जाएगा, तो वहां पर भी आपको 1.5 टन के एसी का यूज करना है। और ऐसे ही 14 बाय 14 का कोई कमरा हो, ठीक है, तो ये 196 स्क्वायर फुट बन जाता है। अब दोस्तों देखिए, ये जो कोई भी हम लेंथ और ब्रेथ ले रहे हैं, जब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, ये 250 स्क्वायर फुट से कम है, इसीलिए हम इसके लिए 1.5 टन के एसी की प्रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि हमें 0.8 टन के लिए 100 स्क्वायर फुट तक यूज कर सकते हैं, 1 टन को हम 150 स्क्वायर फुट तक, 1.5 टन को 250 और 2 टन के एसी को 400 स्क्वायर फुट तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बेसिकली यही बता रहा हूँ कि आपको लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेना है, फिर आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा एसी यूज करना है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही अगला केस ले लेते हैं कि 15 बाय 15 का आपके पास अगर कमरा हो, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा 225 स्क्वायर फुट, तो वहां पर भी आपको 1.5 टन के एसी का यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही अगला केस ले लेते हैं कि 10 बाय 25 का कोई रूम हो, तो ये आपके पास आ जाता है 250 स्क्वायर फुट। अब क्योंकि 250 स्क्वायर फुट तक आप 1.5 टन के एसी का यूज करेंगे, तो इस केस में भी आपको 1.5 टन के एसी का यूज करना है। अब दोस्तों फिर से बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई भी रूम जिसकी लेंथ और ब्रेथ इनमें से कोई भी हो, ठीक है, अगर उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो आपने 1.5 टन की जगह 2 टन की एसी की ओर बढ़ जाना है। ठीक है, अब दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट से होता क्या है कि आपका रूम गर्म होता रहेगा, जिसके लिए एसी को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब उसको ज्यादा पावर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि हम बड़े एसी की ओर बढ़ जाएं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम लास्ट एसी की बात करते हैं, जो कि 2 टन का एसी है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि जो 2 टन का एसी है, उसे हम अप टू 400 स्क्वायर फुट तक लगा सकते हैं, मतलब कोई भी रूम जिसका एरिया 400 स्क्वायर फुट तक बनता है, वहां पर हम 2 टन का एसी लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि पहले तो
इतने बड़े रूम बड़े कम होते हैं, जो मोस्टली होल्स में इतना एरिया बनेगा, ठीक है। 30 × 10 फुट का कोई रूम होगा तो ये आपके पास बन जाता है 300 स्क्वायर फुट, ठीक है दोस्तों। तो इस केस में अब आपको 2 टन के एसी का यूज करना है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि 35 × 10 फुट का कोई होल हो तो ये आपके पास 350 स्क्वायर फुट बन जाएगा, तो वहां पर भी आपको 2 टन के एसी का यूज करना है। ऐसे ही 20 × 15 फिट का कोई भी रूम हो तो ये आपके पास बन जाता है 300 स्क्वायर फुट फिर से, तो वहां पर आपको फिर से 2 टन के एसी का यूज करना है, क्योंकि आपके 2 टन का एसी आप 250 स्क्वायर फुट से लेकर 400 स्क्वायर फुट तक कोई भी रूम होगा वहां पर आपको 2 टन के एसी का यूज करना है। ऐसे ही कोई रूम हो जिसका लेंथ और ब्रेथ हो 20 × 20 तो ये आपके पास बन जाएगा 400 स्क्वायर फुट, ठीक है। क्योंकि अब 400 स्क्वायर फुट तक आप 2 टन के एसी का यूज कर सकते हैं तो आपको यहां पर 2 टन के एसी का यूज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी डिमेंशंस हो किसी भी रूम की, ठीक है, जिसका एरिया 400 स्क्वायर फुट तक बनता है उसके लिए आपको 2 टन के एसी का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपका एरिया इससे ज्यादा बढ़ जाता है, कि अगर आपका कोई रूम हो जिसका एरिया 400 स्क्वायर फुट से भी ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको उस केस में कौन से एसी का यूज करना है, तो आपको वहां पर क्या करना है कि वहां पर आपका एक एसी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो रूम की लेंथ या ब्रेथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो 2 टन का एसी भी काम नहीं कर पाएगा। तो वहां पर आप प्रेफर करें कि 1.5 टन के 2 एसी लगा ले, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई आपके पास रूम है जिसका जो एरिया है वो 500 स्क्वायर फुट है, ठीक है, तो वहां पर आप 2 नंबर 1.5 टन के एसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके पास इससे भी ज्यादा कैपेसिटी का कोई रूम हो तो आप 2 टन के 2 एसी लगा सकते हैं या 3 एसी लगा सकते हैं एज पर योर रूम साइज, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको हर टन हर कैपेसिटी के एसी का चयन करना है कि आपको कौन से रूम में कौन सा एसी लगाना है। तो दोस्तों आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से रूम में कौन सा एसी लगाना है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज़।